में अम्मी ने हमेशा किया है, बिकॉज अब्बू वॉज इन टू बिजनेस, तो वो अपने काम में होते थे, और अम्मी हैं जिन्होंने बेसिकली ज़्यादातर घर संभाला है और हमारी स्कूल्स देखना, हमारी पढ़ाइयों को देखना, एंड यू नो ऑल द घर की भी चीज़ एंड हमारी बच्चों की भी चीज़ें, वो सारी अम्मी ने की हैं हमेशा से. तो मामा वॉज ऑलरेडी वेरी यूज टू ऑफ इट, तो तो नाउ शी दोनों इज़ बहनों में से ऑफकोर्स. शरारती कौन मैं हूँ, ऑफकोर्स मैं हूँ. सबसे ज़्यादा मार भी मैंने खाई है. किसकी, हाँ, अम्मा की? अम्मा की भी और अब्बा की भी, दोनों की. अच्छा क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई आके कहता है कि यार हम तो लड़की हैं, हमें क्यों अब्बा मारेंगे. देन आई एम लाइक, देखो अम्मा अब्बा जब होते हैं ना, तो वो बेटी और बेटा नहीं देखते, वो उनकी औलाद होती है, उनकी औलाद हाँ होती है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू लिटरली बी वायलेंट और आप मारना ही हाँ शुरू कर दें अपनी औलाद को और बहुत बट ज़्यादा एक दो मारें, चपत तो लगती है ना। लेकिन एक दो लगती हैं. तो मैं जब एक दो लोगों को कभी बताती हूँ, तो देर लाइक तुम्हारे ऊपर तो मैं मारते थे. एंड आई एम लाइक, इट्स वेरी नॉर्मल. अगर मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाएंगी किसी माँ बाप के लिए या घर के क्या लिए. क्या होती थी शरारत? मेरी रोज़ सुबह होता था कि, अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा चीखती थी, मैं लड़ती थी बहुत ज़्यादा आपी से, मैं उसको मार के भाग जाती थी, फिर वो मुझे मारने के लिए भागती थी और मुझे लग जाती थी, या मैं उसको मार देती थी. फिर मैं बस पूरे घर में इधर उधर नाचती रहती थी और मैं करती रहती थी हरकतें, विच वर वेरी अनोइंग. आई एम यू नो रियली प्राउड ऑफ दैट दैट आई वॉज अनोइंग एन हाँ अनोइंग किड. लेकिन वो उनको काफ़ी अजीब लगता था शुरू शुरू में, सुबह में. तो वो जब जा रहे होते थे ऑफिस के लिए, तो रोज एक चमाट पड़ता था. सो आई वाज लाइक, ओके ठीक है. तो अच्छा वो एक यू नो डेली डोज होता था कि आपको एक थप्पड़ खाना है अब्बू से, फिर आप सीधी हो जाएंगी और फिर उनका आपका दिन, उनका भी आगाज होगा दिन का, आपका भी आगाज होगा दिन का, बिल्कुल ऐसे ही होता था. और फिर अम्मी से मुझे पढ़ती रहती थी, आप ही से मुझे पढ़ती रहती थी. तो आई हैव बीन दैट किड जिसने हर किसी से मार खाई है घर में. मगर बाज नहीं आए। बिल्कुल बाज नहीं आई और अभी क्या क्या भी. किया, और क्या क्या शरारतें की? और शरारतें स्कूल में मैंने कभी नहीं की. मैं हमेशा आई एम बीन द किड जो घर में हर किसी को परेशान करेगी, घर में लड़ाइयाँ करेगी, घर में चीखेगी, घर में अगर बदतमीजी करनी है तो घर में बदतमीजी करेगी. तो जो भी मेरी चीज़ें थी, वो सब शरारतें और सब मेरी ऊटपटांग हरकतें घर की हद तक थी. स्कूल में बड़ी मैं तमीज़ से रहती थी. अभी भी मुझे याद है, इफ आई शो यू माई पिक्चर्स अपनी कभी जिंदगी में स्कूल की, जो कि मैं कभी भी अपने फोन में नहीं रखती, वरना हर कोई बोल देता है जल्दी से निकाल के दिखाओ, तो मैं बिल्कुल नहीं रखती. लेकिन मैं क्लिप लगाती थी और मैं हमेशा से, आई एम टेलिंग दिस टू ऑल आपी, आई एम रियली सॉरी इफ यू आर सीइंग दिस, इफ यू आर गोना सी दिस. तो मैं हमेशा से आप ही से इस चीज़ में आगे रही हूँ कि मैं हमेशा से बचपन में खुद तैयार हुई हूँ. मुझे चोटी बांधना आती थी आप ही से पहले, मुझे शू लेसेस आप ही से पहले बांधना आते सो थे. टोटल कंपटीशन थी। तो आई वाज यू नो हर चीज़ में आगे, कि मैं खुद जूते पहन रही हूँ और हमेशा लेट कमर, हमेशा नीचे वैन खड़ी होगी, हॉर्न बज रहे हैं बज रहे हैं बज रहे हैं, एंड देन आई एम गेटिंग अप एंड यू नो जल्दी जल्दी फिर मैंने लास्ट सब मिनट तैयार पे करना है. लेकिन मेरी ये चीज़ है कि मैं हमेशा रात को, अभी तक टिल डेट, मैं हमेशा अपनी रात को चीज़ें सेट करके सोती हूँ, चाहे मुझे सुबह के 4 बज जाए स्लोली स्लोली काम करते हुए. कि अगर मेरी सुबह शूट है, माई बैग इज़ गोइंग टू बी पैक्ड, माई मेकअप इज़ गोइंग टू बी रेडी, मेरी अगर कोई और एक्सेसरीज है जो मुझे लेकर जानी है वो सब सेट होगा, कपड़े जो सुबह पहनने वो स्त्रियों के रखे हुए होंगे. तो मैं सब कुछ सेट करके सोती हूँ. फिर मैं बोलती हूँ कि यार सुबह में अगर मुझे 3 घंटे बाद भी उठना है, एंड इफ आई एम स्लीपी एंड इफ आई एम लेट, आई हैव एवरीथिंग सेट. तो वो मेरी बचपन से आदत थी कि मैं पूरी जो है ना टाइम लगाती थी 1 घंटा शू पॉलिश करने में, बिकॉज मुझे बड़ा मज़ा आता था उस रोलर से पॉलिश करने में. वो जो वाइट पॉलिश आती है हाँ उससे मैं अपने वाइट जूते पॉलिश करती थी और मैं 1 घंटा लगाती थी, बिकॉज इज लाइक यार कितना मज़ा आ रहा है, इसको और करो इसको. मुझे लगता था कि और मैं उस पर पॉलिश लगाऊंगी तो वो और सफ़ेद हो जाएंगे, हालांकि वो सिर्फ केक ही होता था और कुछ भी नहीं होता. जैसे आप बेस का करते हैं ना, कि आपको लगता है आप हाँ और बेस लगाएंगे इट्स गोइंग टू बी पिच परफेक्ट और क्या स्किन बन जाएगी, वो सिर्फ केक ही होता रहता है. तो मैं वो करती थी अपने जूतों के साथ. मेरे पास गन्स रही हैं, जो नकली छर्रे वाली गन्स होती थी, मैं वो चलाती थी. सो इट वॉज टू अ लॉट. तो गुड़िया खेली। नॉट रियली, आई एम नॉट द गुड़िया वाली बंदी. मेरे पास गन्स रही हैं,
जो नकली छर्रे वाली गन्स होती थी मैं वो चलाती थी, और कार्स जो रिमोट वाली होती थी उस वक्त वो इतने से रिमोट होते थे एंटीना टाइप के, कुछ कुछ साल पहले तक। अब तो बहुत यू नो PSP टाइप के कुछ रिमोट कंट्रोल्स आ गए, विच आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन। तो आई एम नॉट द डॉल्स वाली बंदी, आई हैव बीन अ टॉम बॉयश वन। साइकिल थी साइकिल थी मेरे पास, एक लोहे की साइकिल थी जो कि मुझे अब्बू ने दिलाई थी, और वो बहुत भारी साइकिल थी। उसको चलाते, तीन पहियों वाली थी, उसको चलाते चलाते आपकी आधी सांस तो अटक ही जाती थी। उस वक्त तो इतनी जान भी नहीं होती थी, अब थोड़ी बहुत बन गई है। तो आई हैड दैट साइकिल, और उसके बाद से मुझे अम्मी ने साइकिल नहीं दिलाई। अच्छा उसके बाद से एंड यू यू आई मिस आई इट आई मिस इट। मैं अभी तक अम्मी को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ सो अम्मी कौन सी लोगी प्लीज तीन पहियों वाली या दो पहियों वाली दो पहियों वाली चलाना पहले सीखूंगी। ऑफ कोर्स उससे पहले मैं तीन चार बार गिरूंगी, कहीं हाँ ठोकरे तो खाऊंगी, कोई कुछ कोई कोई लगेगी। सिक्योरिटी ब्लैंकेट था, कोई चीज थी जो साथ रहती थी पास हर वक्त? डिड यू एवर राइट अ डायरी या आई नेवर रोट अ डायरी। ऐसी कोई चीज थी जो किसी को इजाजत नहीं थी? नहीं, ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आई हैव ऑलवेज बीन एन ओपन बुक एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी तो नो कंफर्टेबल। सीक्रेट्स। कोई भी सीक्रेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने हमेशा से, चाहे कोई अच्छी बात हो बुरी बात हो, मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को बताती हूँ, बिकॉज माई मामा हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड हमेशा से, बचपन से। तो बस मेरी एक चीज़ होती थी जो कि मुझे आज तक जो है मेरी बहन को कभी नहीं वो जगह मिल सकी, एंड दैट इज़ मैं अम्मी के हाथ पे सर रख के, अपने हक करके, उन पे टांग रख के मैं इस तरीके से सोती हूँ। मुझे अभी तक यही मज़ा आता है, सो आई स्टिल डू इट। तो वो चीज़ मेरी बहन को कभी नहीं मिली, सो दैट हैज़ बीन माई प्लेस एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई प्लेस, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। उसके अलावा तो मैंने सब कुछ बताया, और मुझे कभी कोई इतना मसला नहीं हुआ, बिकॉज अम्मी ने और आपी ने, आपी ने ऑफ कोर्स, आपी वाज आल्सो ग्रोइंग, तो दे हैव मेड मी सो कंफर्टेबल, स्पेशली अम्मा। हमेशा इतना कंफर्टेबल रखा है हर चीज़ में, कि चाहे कुछ अच्छा हो चाहे कुछ बुरा हो, कुछ भी हो, हम अम्मी को अगर नहीं बताते हमारी सांसें रुक जाती हैं। जैसे अगर मेरी अम्मी से किसी बात पे बहस हो जाए और मुझे पता है कि अम्मी का मूड ठीक नहीं है, और मैं या तो अम्मी के साथ हूँ, या मैं कराची में ही कहीं बाहर हूँ, या मैं लाहौर में भी हूँ, या मैं कहीं भी हूँ, इवन इफ़ आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान समवेयर, तो मुझे कोई काम नहीं किया जाता एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड यू नो वो चल रहा होता है कि नहीं, मेरी अम्मी है और वो अभी परेशान है, और वो मुझे नहीं पता क्या सोच रही होंगी, और मैं यहाँ पे अपने काम कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है। तो हमेशा हम अम्मी को हर चीज़ बताते हैं, इवन आप ही एज वेल, सो इट्स बीन तो गुड। कैसे थे एज अ टीनेजर, जो वो जो बड़े मुश्किल वाला होता है ना एडोलेसेंस का आप वक्त? ही या नो नो यू यू मी आप इट कैसे थे? रिसेंटली 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 अभी गया, सो आई हैव बीन वेरी नॉटी, एंड लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी टाइम में इंडस्ट्री में भी आ गई, सो आई लर्न अ लॉट। और तो वो किस तरह आए थे, मैं इस स्कूल में या कॉलेज में आए थे? नहीं, आई वॉज इन टेंथ, टेंथ के लेट या मिड में आई अच्छा स्टार्टेड डूइंग TVCs वगैरह, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया काम के साथ ही, एंड देन आई टुक अ गैप कि यार अच्छा अब मैं फोकस कर लूँ, बिकॉज आई ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे अम्मी ने हमेशा बचपन से ही अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन, और इस चीज़ पे बहुत तो फोकस उन्होंने किया गया किस है। तरह किया ये सब अम्मी आफ्टर, ने, हाँ आफ्टर योर डैड पास्ट अवे? शी वर्कड एंड शी वो क्योंकि वर्कड सिंगल डे, पेरेंट होना सिंगल बहुत मुश्किल पेरेंट, शी काम है। वर्कड डे एंड नाइट, एंड आई एम सो प्राउड टू टेल एवरी वन दैट उस वक्त अम्मी के पास ऑफ कोर्स कोई डिग्री या कुछ ऐसी भी नहीं थी कि आप जाएं कहीं और डिग्री दिखाएं और आपको जॉब मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो अम्मी ने पार्लर का काम सीखा एंड शी अच्छा वर्कड एट अ सलोन, और उन्होंने आई थिंक 2-3 साल किया, एंड शी वर्क डे एंड नाइट, एंड आई कैन नॉट फर्गेट दोज डेज, क्योंकि मैं स्कूल से आती थी तो मुझे घर में खाना बना हुआ होता था, लेकिन मुझे रोटी चावल खुद बनाने पड़ते थे, तो मैं पाकिस्तान के नक्शे जैसी कुछ रोटी बनाती थी। एंड देन आपी उस वक्त यूनिवर्सिटी में होती थी, शी वॉज़ वर्किंग हार्ड अपनी एक लाइफ में, अपनी एक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। अम्मी कर रही थी, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट यू नो कम्प्लीटिंग माई एजुकेशन एज वेल एंड जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन वॉट आई लव। तो लकीली अम्मी ने इजाज़त दी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरू में जो इजाज़त देने वाला इंसान था वो मेरी बहन थी,
तो शी वॉज लाइक यू नो, मैं घर में खड़ी हुई हूँ और एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो रही है और मुझे नहीं पता कि शायद लोगों के घर में और शायद सीरियस कॉन्वर्जेशन होती होंगी किसी लड़की के इंडस्ट्री में जाने के लिए. मेरे घर में तो बड़ी कैजुअल हुई थी कि मैं खड़ी हुई हूँ एंड आई एम लाइक, आप ही पढ़ रही है, अम्मी ड्राॅइंग रूम में आराम से बैठी हुई है एंड दीज टू रूम्स एंड आई एम इन द मिडल ऑफ दोज टू रूम्स एंड आई एम लाइक कि अम्मी मुझे लग रहा है कि ना मुझे यार ये मीडिया में जाना है एंड आई वॉन्ट टू एक्ट एंड आई वॉन्ट टू डू ऑल ऑफ दिस. उससे पहले से अम्मी ने देखा हुआ था कि मैं बहुत मेकअप करती थी और मैं साड़ियाँ बनाती थी अम्मी के दुपट्टों से एंड आई यूज़ टू एक्ट ऑन ऑल ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग्स और सारी चीज़ें, मूवी देखना. बचपन से वो जो एक कीड़ा होता है ना आपके अंदर, किसी चीज़ का एक पैशन होता है, वो उबल उबल के मेरे अंदर से बाहर आ रहा था. सो आई वाज लाइक यू नो मामा, मुझे करना है. उसके बाद आप ही पढ़ती रही, आप ही डिडंट गिव एनी रिएक्शन. अम्मी के पास में गई, मैंने कहा मामा करना है. मैंने कहा बेटा अभी आप बहुत छोटी हो और अभी आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, सो आई डोंट वांट यू टू गो इन दिस फील्ड एंड आई थिंक इट्स नॉट सच अ नाइस फील्ड कि आप इसमें जाओ. वो हर माँ बाप का रिएक्शन होता बिल्कुल है जब आपके आपका बैकग्राउंड नहीं होता, आपकी फैमिली में से कोई भी नहीं होता मीडिया में जो आपको प्रूव कर सके कि नो, दिस इज़ अ वेरी नाइस फील्ड एंड इट इज़ अ गुड फील्ड. इट इज़ लाइक एनी अदर फील्ड और एनी अदर करियर, चाहे आप ऑफिस जॉब करें दुनिया में जाके या कुछ भी करें, ये बिल्कुल वैसा ही है. आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा होगा. आप बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा.